साथियों, राजेंद्र आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पुरानी चूड़ियों से तोरण बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले आप पुरानी चूड़ी ले लीजिए, उसके ऊपर ग्रीन धागा लपेटिए। चूड़ी पर ऊन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब एक्स्ट्रा ऊन को हम काट लेंगे। काटने के बाद इसका जो हिस्सा है लास्ट का, इसको हम हेवी क्विक से चिपकाएंगे ताकि ये उखड़े ना यहाँ से। आप इसी प्रकार और चूड़ियाँ बना लीजिए। आपको 16 चूड़ियाँ बनानी है। आप कोई भी कलर ले लीजिए। हमारी चूड़ियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम फिंगर और उनकी सहायता से फूल बनाएंगे। थोड़ा राउंड घुमा लीजिए। उसके बाद 1 मीटर का धागा आगे से काट कर सुई डाल लीजिए। उनके नीचे है जो राउंड मारे हैं, उनके नीचे से आप सुई निकालिए, हल्की टाइट कर दीजिए। बाहर निकाल लीजिए और आप इसको आप लपेटते रहिए ऊन को इसके ऊपर से। एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये जो हमने चैन बनाई है, चैन के अंदर से सुई डालकर 1 राउंड और कंप्लीट कीजिए। अब ये मणियाँ डाल लेंगे इसके अंदर। कितना सुंदर डिजाइन आया है। आप भी और भी कलर से आप बना सकते हो, जरूरी नहीं आप ये रेड कलर बनाएं। जो आपको अच्छा लगे वैसा कलर यूज करें। हमारा फुल कंप्लीट हो गया है। कितना सुंदर डिजाइन आया है। अब चूड़ियों से शानदार डिजाइन बनाइए। इन सभी चूड़ियों को आपस में फेविक्विक की सहायता से चिपका दीजिए या आप उनका धागा बांध लीजिए। अब इनके ऊपर जो हमने फूल बनाए हैं वो रख लीजिए, इनको चिपकाइए फेविक्विक की सहायता से। आप इनको भी चिपकाइए। साथियों, हमने ये चिपका दिए हैं। अब हम इसकी सुंदरता के लिए इसके ऊपर ये छोटे छोटे चमकदार मणियाँ लगाएंगे ग्लू गन की सहायता से।
इस प्रकार आप सभी चूड़ियों पर लगा लीजिए। मैंने पहले लगा रखी है। साथियों, हमारी तोरण बनकर तैयार हो गई है और मैंने अपने घर पर इसको लगा दिया है। देखो कितना सुंदर लग रही है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।